हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो सब लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो एक और नया वीडियो लेकर आया हूँ। ये है कैनन G2010। इसका जो मेन प्रॉब्लम है, ये ब्लैक इंक नहीं ले रहा है, और जो आप प्रिंट आउट करते हैं हम, तब लंबा सा लाइन आता है। प्रिंट आउट भी इसका अच्छा नहीं है, ठीक है ना? तो इसका मेन रीज़न है, ब्लैक इंक का जो कार्टिज है इसका, वो सूख चुका है। बट पाइप के अंदर इंक है, तो अभी एक काम करेंगे हम लोग, इसका जो कार्टिज है, कार्टिज को ही हम सही करेंगे। तो ऐसा क्यों हुआ है मैं बता देता हूँ। तो इसका जो इंक है, इंक पूरा ख़त्म हो गया। तो कस्टमर ने क्या किया है, इसका जो मैनुअल हेड क्लीन होता है, सॉरी, इस यहाँ से जो हेड क्लीन होता है, वही किया था। करने के बाद इंक तो पाइप में चला गया, बट कार्टिज के अंदर नहीं गया, ठीक है ना? तो कार्टिज के अंदर नहीं जाने के कारण पेंट सही से नहीं आ रहा है, आ रहा है बट एकदम हल्का। तो पहले तो मैं नोजल चेक, प्रिंट आउट जो होता है उसको करके देख लेता है। अभी आएगा प्रिंट, ये देखो देखो, ऊपर का जो लाइन होता है वो है ही नहीं, ठीक है ना? तो चलो इसको सही करते हैं। तो सबसे पहले कार्टिज को हम खोलेंगे, और ये देखो इसका इंक बिल्कुल नहीं है और एकदम सूखा पड़ा है। वेट भी इसका कम है। ये जब आप हाथ में पकड़ोगे तभी आपको पता चल जाएगा, ठीक है ना? तो अभी सिर्फ हमें जो अच्छा जो प्रोसेस है इसका, वही करेंगे। ये मैं बड़ा सा सिरिंज ले लिया और इसमें इंक भी भर लिया। तो ऐसे इंक भरने के बाद ये जो कार्टिज है, कार्टिज के अंदर इंक को डालना है, और वो भी धीरे धीरे। अगर इंक डालने के बाद जब इंक बाहर निकल आएगा, तब आपको ऐसे प्रोसेस स्टॉप कर देना है। मैं दूसरे प्रोसेस दिखा देता हूँ, आप वो प्रोसेस फॉलो करो, क्योंकि इससे क्या होता है कि इंक बाहर निकल आ रहा है। तो सबसे पहले मैं इंक को साफ कर लेता हूँ, और देन ये एक मैंने पाइप लिया, और पाइप लेने के बाद ऐसे धीरे से अच्छे से इसको करेंगे। ये देखिए नीचे से इंक निकल आया है। दोस्तों यही करना है बस, और कुछ नहीं करना, और अभी भारी भी लग रहा है, और कुछ भी करो कार्टिज को अच्छे से क्लीन करना होगा, ठीक है ना? अच्छे से अगर क्लीन करेंगे तभी ये काम करेगा और अच्छा भी रहेगा। तो ये प्रोसेस करने के बाद कार्टिज को लगाएंगे, देन हम प्रिंटर को ऑन करेंगे। अब देखते हैं क्या रिजल्ट आता है इसका, ठीक है? थोड़ा सा वेट करते हैं, प्रिंटर को रेडी होने में टाइम लगेगा। ये देखिए रेडी है, अभी नोजल प्रिंट करके देख लेते हैं। फ्रेंड्स, वीडियो अगर यहाँ तक अच्छा लगे तो वीडियो को ज़रूर एक लाइक करना, शेयर करना, और साथ ही साथ चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर करना। तो अभी देखते हैं क्या रिज़ल्ट आता है। ये देखिए फ्रेंड्स, बिल्कुल एकदम एक्यूरेट है और ओके काम कर रहा है।
आप ध्यान से देखिएगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।